शुरू करते हैं गाइस हमारा डॉट टेक्स्ट रिवील एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। और इसके लिए हमने बहुत ही इजी वे पे मोशन ग्राफिक जनरेट किया है जो बहुत ही आई कैचिंग एंड एंगेजिंग बनेगा आपके व्यूअर्स के लिए। प्लस यहाँ पे जितने भी बेसिक चीजें आप सीखोगे आपको बहुत ही यूजफुल होने वाली। तो सबसे पहले जैसे अभी आप ग्राफिक्स में देख रहे हो यहाँ पे मेरा मेनली यहाँ पे ये मेरा बैकग्राउंड है जो कंपोजिशन को कवर कर रहा है, और ये वाला मेरा शेप लेयर टू है वो भी कंपोजिशन को क्रिएट कर रहा है जो आपके लिए आगे जाके एक ट्रांजिशन की तरह भी काम कर सकता है। किसी वीडियो में आपको अपने टेक्स्ट को इंट्रो की तरह या रिवील की तरह यूज करना है या फिर आप लोअर थर्ड के लिए यूज करना चाहते हो तो बिल्कुल ये मोशन ग्राफिक्स मल्टीटास्किंग होगा आपके लिए। टेक्स्ट रिवील एनिमेशन आपके लिए मल्टीटास्किंग होगा। तो यहाँ पे उसके बाद मेरे पास टेक्स्ट है और उसके बाद मेरा डॉट वाला शेप मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये मेरे सारे ग्राफिक्स यहाँ पे रेडी है। अब मुझे उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को एनिमेट करना है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों का पोजीशन और साथ में स्केल प्रॉपर्टी ओपन कर रहा हूं, दोनों को यहाँ पे की दे देता हूं। और मैं सबसे पहला काम क्या कर रहा हूं कि इनका जो पोजीशन है मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूं। तो यहाँ पे शिफ्ट करके प्लस करेंगे और मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूं 1920 प्लस 960। तो दोनों का पोजीशन यहाँ पे बिटवीन में सेट हो जाएगा। अब इन दोनों को वापस सिलेक्ट करता हूं और इनका जो एक्स एक्सिस का स्केल है वो वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूं 0। तो ये यहाँ पे हो चुका है। दूसरा मेन चीज, इन दोनों का एंकर पॉइंट जो था मैंने यहाँ पे राइट साइड पे शिफ्ट करके रखा हुआ है ताकि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं क्या कर रहा हूं यहां से पेज डाउन 20 फ्रेम आगे जा रहा हूं, इन सारे को मैं क्या कर दूंगा सारी कीज को यहाँ पे 20th फ्रेम के ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। अब चले आएंगे हम 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे क्या करेंगे दोनों का स्केल वैल्यू जो है वो मैं अप्लाई कर देंगे 100। तो ये यहाँ पे 100 हो चुका है और उनका जो पोजीशन है वापस हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे उनका जो पोजीशन वापस जो पुराना था 1920 जो पहले था वही हम अप्लाई कर देंगे तो ये कवर कर लेगा। अब क्या करना है मुझे यहाँ से, मैं 1 2 3 4 फ्रेम आगे जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4 फ्रेम हम आगे जाएंगे और हम क्या करेंगे स्केल की जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे दोनों लेयर की उनको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट करके और उसको शिफ्ट कर देते हैं 4th नंबर की फ्रेम के ऊपर। आई थिंक एक और फ्रेम आगे जाना चाहिए और दोनों को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। दूसरा, मुझे इस लेयर को ऊपर वाले लेयर को ऑफसेट भी करना है तो मैं यहाँ से 1 और 2 फ्रेम आगे जा रहा हूं और मैं इसको क्या कर रहा हूं यहाँ पे Ctrl+Z खाली ऊपर वाला जो शेप लेयर है उसको ही हमें ऑफसेट करना है राइट की तरफ, तो मैंने उसको ऑफसेट कर दिया यहाँ पे। अब इन सारी चीज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, F9 प्रेस करते हैं और इजी इसमें कन्वर्ट करने के बाद चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे हम क्या करेंगे ग्राफ को कुछ इस हिसाब से यहाँ पे एडिट कर देंगे। तो हाँ भैया, यहाँ पे ग्राफ कुछ इस हिसाब से एडिट हो चुका है हमारा स्केल का प्लस हमारे शेप लेयर के दोनों प्रॉपर्टीज का स्केल और पोजीशन। तो अब ये यहाँ पे हो जाने के बाद मुझे क्या करना है कि भाई जैसे ही स्क्रीन के अंदर आते हैं अब देखो एनिमेशन मेरा उल्टा हो चुका है, बाय डिफॉल्ट एक मिस्टेक हुआ। तो लेट्स ओपन द प्रॉपर्टीज, यहाँ पे मुझे कर लेना है और मैं लेट्स सिलेक्ट दिस वन, राइट क्लिक करते हैं, की फ्रेम असिस्टेंट में चलते हैं और टाइम रिवर्स की फ्रेम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अब क्या होगा कि भाई ये अंदर आते हुए दिखेंगे आपको। ओके, अब देखो दिख रहा है आपको, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे एंटर होते हुए दिखेंगे आपको बट हमें ग्राफ को चेंज करना पड़ेगा। सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके वापस क्या कर देंगे भाई मूव कर देंगे यहाँ पे। तो हाँ भाई, ये अभी हमारा जनरेट हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे क्या होगा कि भाई इस तरह से ये इंटर होते हुए दिखेंगे तो हमारा एक ट्रांजिशन यहाँ पे जनरेट होगा। अब मुझे क्या करना है, मेरे शेप को यहाँ से रिवील करना है डॉट वाले, तो डॉट वाले शेप का सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ पोजिशन यहाँ पे मूव कर देता हूँ ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे। ठीक है, और दूसरा मैं वाई करके इसका एंकर पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पे मूव कर दूंगा इस कॉर्नर पे, शेप के यहाँ पे सेंटर पे यहाँ पे मैंने मूव कर देना है। अब इस शेप को मुझे क्या करना है कन्वर्ट करना है बेजियर पाथ के अंदर, तो यहाँ पे इसके रेक्टेंगल पाथ को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू बेजियर पाथ अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे पाथ को हम की दे देते हैं, बाहर निकलते हैं और पोजिशन पे प्लेस करते हैं यहाँ पे और उसको भी की दे देते हैं। अब डॉट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे यू प्रेस करेंगे ताकि दोनों कीज हमारे सामने विजिबल हो। अब पाथ को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं और स्टार्टिंग में जो इसका शेप मुझे मूव टूल वापस सिलेक्ट Ctrl+Z कर लेते हैं एक बार, वापस से पाथ को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या करता हूं मैं इसको शिफ्ट करता हूँ कुछ इस हिसाब से। सो भाई इतना बड़ा शेप नहीं दिखना जी, कुछ इस हिसाब से मेरे को मेरे शेप को दिखाना है। प्लस स्टार्टिंग में इसका पोजीशन ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे मेरे को रखना है तो पोजीशन को भी क्या दे दिया मैंने यहाँ पे की दे देना है। अब मैं यहाँ से आगे जाऊंगा तो कहाँ पे एग्जैक्टली इनका एनिमेशन खत्म हो रहा है तो ऑलमोस्ट हम इसी की को रेफरेंस लेते हैं कि यहाँ पे इसका एनिमेशन खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे भी पाथ और पोजीशन को हम क्या दे देते की दे देते हैं और पोजीशन मुझे चेंज करके कहाँ पे लेके जाना है तो मैं आपको बता दूं मुझे ऑलमोस्ट पोजीशन कहाँ पे लेके जाना है जहां पे ये बनेगा यहाँ पे सर्कल, तो मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली उसका पोजीशन सेटल करना है।
अब यहाँ पे जो इसका पाथ होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे पाथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं और इसके ये वाले जो लास्ट वाले वर्टेक्स से वापस उसको सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे और शिफ्ट प्रेस कर देंगे ताकि ये प्रॉपर जगह पे यहाँ पे सेटल हो जाए। तो ये यहाँ पे कुछ इस हिसाब से होगा। अब वापस ये वाली फ्रेम के ऊपर चले आएंगे, यहां से एक और दो फ्रेम में आगे जा रहा हूं यहाँ पे, और क्या करेंगे इसके पाथ को फिर से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा जूम कर लेंगे और पीछे वाले वर्टेक्स जो राइट वाले तीन जो वर्टेक्स है उसको सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग कर रहा हूं और शिफ्ट प्रेस कर रहा हूं। ये क्या करना चाहिए, इस अल्फाबेट्स को कवर करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इस हिसाब से उसका कर दिया है। अब यहां से वापस इस तरफ चले आएंगे और एक और दो फ्रेम हम आगे चले जाएंगे यहाँ पे, और ऑलमोस्ट वापस क्या करूंगा मैं इसी की फ्रेम को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। अब इनको सिलेक्ट करते हैं और F9 प्रेस कर देते हैं। अब जो ग्राफ एडिट करूंगा मैं इन कीज में, तो वो खाली पोजीशन की फ्रेम का, तो यहाँ पे चलते हैं ग्राफ एडिटर में और यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ कुछ इस हिसाब से। हम लोग इजी इज वाले ग्राफ में है, स्पीड ग्राफ में है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो आपको स्पीड ग्राफ मिल जाएगा। अगर मेरे जैसा ग्राफ आपको ना दिख रहा हो तो स्पीड ग्राफ आपको चूज कर लेना है। तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि ये जब यहाँ पे पहुंच गया, ऑलमोस्ट जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, अब वापस उसको रिवर्स में एनिमेशन करते हुए इस तरफ मुझे लेके जाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, अभी इसका कंट्रोल शिफ्ट एंड डी करके इसको यहां से ट्रिम कर देता हूं। एग्जैक्टली यहां से मैंने इसको ट्रिम कर दिया। अब मैं वाई प्रेस कर रहा हूं और इसका जो एंकर पॉइंट है मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं इस तरफ, सॉरी एग्जैक्टली यहां पे मुझे शिफ्ट कर देना इसका एंकर पॉइंट। तो ये यहां पे शिफ्ट हो चुका है। अब जो इसका एनिमेशन हुआ था ना, बिल्कुल उसका रिवर्स एनिमेशन मुझे क्या करना है, जनरेट करना है यहाँ पे। तो आप चाहो तो इसको भी क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करके पूरा का पूरा रिवर्स कर सकते हो, बट मुझे इसके अंदर कुछ चीजें ऐड करनी है इसलिए। तो यहाँ पे मैं वापस क्या कर रहा हूँ, इसका पोजीशन ओपन करूंगा, तो पोजीशन को यहाँ पे की लगाओ, इस कीज को हम क्या ऐड कर दे, निकाल देंगे, यू प्रेस कर दो, पूरा का पूरा की यहां से आप क्या कर दो, निकाल दो। हाँ, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, पाथ का एक की चाहिए था हमें, तो एक बार अंडू कर लेते हैं। और जो इसका पाथ का की है ना, ये वाला जो की है एंड वाला, मैं इसको डिलीट करता हूं तो ये पाथ मुझे मिल जाएगा। अब मैं क्या कर देता हूं, इन सारे कीज को यहां पे डिलीट कर देता हूं, ठीक है ना। अब सबसे पहला पाथ का की यहां पे लगा दिया और मैं एक और दो फ्रेम आगे जा रहा हूं, फिर से सेम पाथ का की यहां पे दे देता हूं। अब पहले वाले की फ्रेम के ऊपर वापस आ जाएंगे, सॉरी कंट्रोल जेड, और यहां पे क्या कर देंगे, वापस से एक बार की अप्लाई कर दो और पाथ को यहां पे मैं सिलेक्ट करता हूं। और मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग में जो पाथ चाहिए इसका, कि भाई ये इसी हिसाब से मतलब आगे जाएगा पोजीशन पहले और उसके बाद ये काम। अगेन सॉरी गाइस, लेट्स डू दिट अगेन, मूव टूल सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और मुझे क्या चाहिए भाई, ये वापस सर्कल शेप में ही चाहिए यहाँ पे, जैसा अभी पहले था। तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब इन दोनों कीज को हमें थोड़ा चेंज कर देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट कर लेता हूँ, ये यहाँ पे आएगा और इसको मैं यहाँ पे लाके रख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, यहाँ से यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब चाहो तो आप इसका साथ में क्या कर सकते हो, पाथ प्रॉपर्टी भी एनिमेट कर सकते हो, बट मैं अभी पाथ की प्रॉपर्टी को यहाँ पे, सॉरी पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे एनिमेट कर सकते हो। मैंने दोनों चीज दिखाई, यहाँ पे हमने पाथ और पोजीशन दोनों यूज किया है। अब मैं खाली पाथ से एनिमेट करूंगा, तो अब क्या जाएंगे यहाँ से पेज डाउन और हम चलते हैं 1 2 3 4 5 और आई थिंक वी कैन जम्प डायरेक्टली 20 frames। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और पेज डाउन, और पेज डाउन 20 frames हम यहाँ पे जंप करते हैं, सेम एज इट इज की अप्लाई करते हैं, एक और दो फ्रेम आगे आ जाते हैं, फिर से यही की अप्लाई कर देंगे और इस वाली की फ्रेम के ऊपर मुझे क्या करना है, तो भाई यहाँ पे पोजीशन तो चेंज होने ही वाला है इसका, ठीक है ना। तो क्या करेंगे भाई, इन सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करते हुए कहाँ पे आएंगे, ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे आ जाना है जहां पे ये एल को कवर कर लेता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलमोस्ट आ जाना है मुझको और मुझे अब क्या करना है, इसका पोजीशन भी साथ में चेंज हो गया। यहाँ पे जैसे पहुंचेगा ये बराबर है, तो मुझे वापस क्या करना है भाई, ये वाली की को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो इसको मुझे पूरा का पूरा पाथ जो है मुझे शिफ्ट करना है हल्का सा यहाँ बाहर की तरफ शिफ्ट के साथ। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट कवर अप कर लेना है हमें कि पूरा एक डॉट बन जाए यहाँ पे, आप देख लो। तो यहाँ पे बन चुका है, थोड़ा इसको क्या करेंगे पीछे की तरफ लेके आएंगे। हाँ, अब ये प्रॉपर से डॉट बन चुका है। अब क्या करता हूं, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके इसका साइज हम क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। यहाँ पे इसका साइज प्रॉपर तरीके से छोटा हो जाना चाहिए, प्लस इसका पोजीशन में यहाँ पे शिफ्ट करके नीचे की तरफ जहां पे ये कवर कर रहा हो मेरे टेक्स्ट के बैटम को, अब थोड़ा बाहर की तरफ लेके आएंगे इसको। यहाँ पे एक गैप जनरेट करना है बेटर तरीके से। तो ये एनिमेशन यहाँ पे उसका जनरेट हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, F9 प्रेस करते हैं। अब जो इन बिटवीन के दो ये कीज है, यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करने, तो इन दोनों कीज को हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे
ऑलमोस्ट यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। अब इसके ग्राफ को जो है मुझे एनिमेशन जनरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को यहाँ पे ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ से। हमने इसको कुछ हिसाब से ड्रैग कर लिया, थोड़ा जूम कर लो अगर आपको चाहिए तो, और यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी थोड़ा हम कर देंगे ड्रैग इस हिसाब से। तो ये यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब आपको चाहिए तो इसका क्या करेंगे, हम थोड़ा टाइमिंग बढ़ा देते हैं यहाँ से, ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से कितने फ्रेम से हम देख लेते हैं, शिफ्ट पेज डाउन। तो 10 फ्रेम के लिए मैं इसका ट्रांजिशन यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट स्मॉलर। अब देखते हैं ये भी कैसे जा रहा है, तो यहां से जा रहा है और इसको यहां से स्टार्ट हो रहा है, यस इज गोइंग गुड। तो भाई ये सही जा रहा है, इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब मुझे क्या चाहिए, जैसे ही यहां से रिवर्स होना स्टार्ट कर रहा है गाइस, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जा रहा है। तो जैसे ही यहां से रिवर्स होना स्टार्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट इस की फ्रेम के ऊपर थोड़ा एक दो फ्रेम आगे जाते हैं हम यहाँ पे, ओके। अब मुझे क्या करना है, हमारा जो टेक्स्ट वाला लेयर है उसका पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करना है। इसको मैं यहाँ पे की देता हूं और उसका पोजीशन को मैं क्या कर देता हूँ, पहले तो ये वाले की को थोड़ा पीछे की तरफ ड्रैग करते हैं और यहाँ पे इसका पोजीशन मैं क्या करूं, थोड़ा पीछे की तरफ, मतलब ऑलमोस्ट यहीं से जहां से ये शुरू हो रहा है, ओके डन। प्लस इसका मेरे को एक मास्क जनरेट करना है टेक्स्ट लेयर के ऊपर, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट लेयर मेरा सिलेक्टेड है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक मास्क जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे और उसको थोड़ा लंबे तक, यस बेटर है। यहाँ पे हमने मास्क को जनरेट कर दिया है। अब इसके मास्क पाथ को भी हमें क्या करना है, एनिमेट करना है, तो यहाँ पे की दे देते हैं मास्क पाथ को। अब इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं, तो दोनों कीज यहाँ पे रिवील है। अब मास्क पाथ को भी क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। अब स्टार्टिंग में जो होना चाहिए, तो मूव टूल सिलेक्ट करते हैं और इसकी जो मास्क पाथ के राइट करके जो चार वर्टेक्स है उसको सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करते हुए कुछ इस तरह पीछे की तरफ लेके आएंगे, ताकि हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे ये जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, गुड इनफ। साथ में मुझे क्या करना है, मास्क का फेदर प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करना है और वाई एक्सिस में मुझे फेदर बढ़ाना है कुछ ऑलमोस्ट 25 के आसपास। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे मेरा ये लेयर जा रहा है उसके साथ साथ क्या हो रहा है, मेरा टेक्स्ट यहाँ पे वो रिवील करते हुए गया, ठीक है ना। बट थोड़ा अभी इसकी कीज के अंदर हम चेंज करेंगे तो और भी बेटर रिजल्ट देगा। तो इनको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और क्या करेंगे, इसके ग्राफ को भी हम कुछ हिसाब से एडिट कर देंगे। तो अब अगर आप देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है भाई, देखो सही तरीके से क्या हो रहा है, वो टेक्स्ट को रिवील करते हुए जा रहा है यहाँ पे। हमें थोड़ा टाइमिंग इसका क्या करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा। तो यहां से 1, 2 और 3 फ्रेम में पीछे जा रहा हूं और इसको हम क्या करेंगे, देखो ये थोड़ा डिले हो रहा है यहाँ पे, तो लेट्स टेक इट लिटिल बिट अहेड। हाँ भाई ये यहाँ पे सही है। अब इसको थोड़ा आगे की तरफ, तो देखो प्रॉपर तरीके से ये रिवील हो रहा है। अब मास्क पाथ को हम क्या करेंगे, थोड़ा नजदीक रखते हैं यहाँ पे, ओके डन इनफ, कंट्रोल जेड, ओके ये यहाँ पे पहुंच गया और यहाँ पे रिवील, ओके दैट्स लुकिंग गुड। तो ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो चुका है टेक्स्ट रिवील का भी। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, चाहो तो एक चीज बेटर कर सकते हो, इसके की इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं हम लोग, ओके, और इसको भी मैं तो कर लेता हूँ थोड़ा पीछे की तरफ, ऑलमोस्ट यहाँ पे डन है। अब मुझे क्या करना है कि मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, न्यू में जा रहा हूं और एक नल ऑब्जेक्ट जनरेट करता हूं और इसको यहाँ पे सबसे टॉप के ऊपर रख देता हूं। तो जहां से टेक्स्ट का रिवील होना शुरू होता है, सो ऑलमोस्ट कहां से, यहां से मेरा टेक्स्ट रिवील होना शुरू हो गया है। अब देखो ये थोड़ा डिले हो रहा है, बराबर ना, बहुत मतलब खासा अच्छा खासा डिले हो रहा था। इसको सिलेक्ट करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और हम क्या करेंगे भाई, इनकी कीज को यहाँ पे पकड़ते हैं और इस वाले टेंजेंट्स को हम क्या करेंगे, थोड़ा ड्रैग करते हैं यहाँ पे। तो अब देखो ये बेटर तरीके से दिखेगा। अब ये अगर ये जा रहा है तो हाँ, अब ये सही लग रहा है बेटर तरीके से। टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, आपको हर छोटी चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है एज अ आर्टिस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हो गया। अब नल को क्रिएट करने के बाद इन तीनों लेयर्स को मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, इसके साथ पेरेंट कर देता हूं, इस शेप नल लेयर के साथ, हमारे दो डॉट लेयर और एक हमारा टेक्स्ट लेयर को हमने नल के साथ पेरेंट कर दिया है। अब जहां से ये रिवील होना स्टार्ट हो रहा है, तो ऑलमोस्ट कहां से भाई, यहां से ये स्टार्ट हो रहा है, ओके ऑलमोस्ट यहां से। तो मैं क्या कर रहा हूं, नल का स्केल प्रॉपर्टी यहां पे ओपन कर रहा हूं, इसको बड़ा करना है हमें, थोड़ा आगे आएंगे यहां तक ऑलमोस्ट, और इसका स्केल हम क्या करेंगे, हल्का सा बड़ा करेंगे यहाँ पे, और वापस जब ये यहाँ पे एंड पे कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे किसमें, डॉट के अंदर छोटे से, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू क्या करते जाएंगे, स्केल का वैल्यू डाउन करते हुए जाएंगे हल्का सा 90 के आसपास। अब इनको भी सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर में और नल की जो हमारी स्केल प्रॉपर्टी, उसका ग्राफ कुछ इस हिसाब से हम लोग एडिट कर देंगे। सो गाइज, हमारा डॉट टेक्स्ट रिवील एनिमेशन और उसका मोशन ग्राफिक्स हमने जनरेट कर लिया है। आगे बढ़ने से पहले
मैं हमेशा आपके लिए नए नए आइडियाज लेके आता हूँ, ना कि रिपीटेड आइडियाज जो आप ट्यूटोरियल्स वगैरह में देखते रहते हो। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि लाइन टेक्स्ट सिविल, तो आपने हजारों ट्यूटोरियल उसके ऊपर देखे होंगे, सब एक जैसा ही कुछ ना कुछ बना रहे हैं। तो मैं कुछ डिफरेंट करता हूँ, कुछ नया आइडिया जो हम लोग ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर अप्लाई करते हैं। तो जस्ट कमेंट करके बताना कि कितना यूजफुल आपके लिए हो रहा है, प्लस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। एप्रिसिएशन होता है एक आर्टिस्ट के लिए, आप मुझे पैसे तो पे नहीं कर रहे, क्योंकि पैसे देके भी आप कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो, तभी आप ट्यूटोरियल्स देख रहे हो यूट्यूब के, ठीक है ना। सो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप अपनी मेहनत के लिए, अपने लिए इतना मेहनत कर रहे हो, तो हमें भी अप्रिशिएट करो हमारी मेहनत के लिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके। अब देखते हैं हमारा फाइनल एनिमेशन गाइस। तो जब भी आप, जैसे आप स्क्रीन के देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा डॉट टेक्स्ट रिवील एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, और मोशन ग्राफिक्स भी बहुत बेटर तरीके से हमें दिख रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम गाइस, गुड बाय।